तो चलिए हम आज इससे पूछते हैं कि अब ये नया सेशन में आपका तरफ से क्या ओपिनियन है कि ऑनलाइन क्लास होना चाहिए ना ऑफलाइन क्लास होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रिविलेज और थैंक यू सो मच ये चैनल आलो न्यूज़। तो मेरा राय यही है कि ये बार तो ऑफलाइन क्लास ज़रूर होना है। अगर ये बार ऑफलाइन होता है तो गवर्नमेंट को ऐसा करना है, हम लोग का यहाँ में जितना भी रिमोट एरिया है तो हम लोग स्पेशली हम लोग का जो रिमोट एरिया होता है ये सब में नेट कई तरह की नेट मतलब प्रॉब्लम होता है। तो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर स्टूडेंट वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एजुकेशन मिनिस्टर से ही अपील करता है अगर ये बार जो रिमोट एरिया ये सब कॉलेज में ऑनलाइन क्लास होना है तो सबसे पहले इसको नेट को ठीक करना है, अदरवाइज हम ऑफलाइन क्लास ज़रूर होना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। आप अभी कितना सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं? तो फिलहाल मैं तो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ और ये भी मेरा व्यू है अगर ये बार हम लोग ग्रेजुएशन करता है फिफ्थ सेमेस्टर में तो ये बार ऑनलाइन होके ग्रेजुएशन करता है तो हम लोग का मतलब कुछ भी वैल्यू भी नहीं रहता है। तो अगर हम लोग ये बार ऑफलाइन क्लास होके 33 मार्क्स भी मिलके पास होता है तो खुद भी सेटिस्फाई होता है। तो ये मेरा मेहनत का ये फल है। तो ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन क्लास होके पास होता भी है तो ये हम लोग के लिए बहुत दुख भरी होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। आप यहाँ में जितना भी अभी पढ़ चुका है आप जो सेमेस्टर को तब से आपका ऑनलाइन क्लास हुआ है? थर्ड सेम और फोर्थ सेम में थोड़ा सा हुआ है ऑफलाइन क्लास तो, लेकिन एग्ज़ाम तो ये उसमें ऑनलाइन ही कंडक्ट हुआ था। लेकिन उसमें भी कुछ भी हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं मिला है तो हम लोग अच्छा से प्रिपेयर भी नहीं किया है तो ये ऑनलाइन का वजह से है। तो ये ऑनलाइन जब आप लोग का ऑनलाइन से एग्ज़ाम दिया जा रहा था तो उसमें वो ऑनलाइन एग्ज़ाम को आप सेटिस्फाई था कि नहीं है? ये तो ऑब्वियस बात है, हम लोग को एक कुछ भी सेटिस्फाई नहीं है। पहले ही हम लोग उसमें मार्क्स 60-70 मतलब लिया है तो मतलब ये सब मतलब सिर्फ नंबर्स बन जाता है। तो ये मतलब एग्ज़ाम देने से मतलब ये मैटर नहीं करते कि 33 मिलो या फेल हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। ये मतलब खुद प्रिपेयर करके देने से कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है स्टूडेंट की तरफ से ना, तो यही है। मेरा सोच ये है कि ये इस बार ऑफलाइन होने से ठीक है सोचते हैं क्योंकि हम लोग पर सेमेस्टर में भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं आया है, मतलब ऑनलाइन हुआ है उसमें भी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में भी, ये कई कई जगह में तो होता ही नहीं है और हम लोग ज़्यादातर अटेंड नहीं कर पाते हैं नेट का वजह से। तो हम सोचते हैं कि इस बार ऑफलाइन होना चाहिए। गया साल भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, जस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के ऐसे ही पास हो गया, ना कुछ जान के आया है ना कॉलेज लाइफ ऐसे होता है बोल के एक्सपीरियंस किए। तो हम सोचते हैं कि इस बार ऑफलाइन होने से ठीक है क्योंकि जो जूनियर्स आए वो लोग को भी कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पढ़ाई में भी थोड़ा आगे ले जाने के लिए कुछ जान के जाना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं जान के जाने से बाद में क्या होगा वो तो किसी को भी पता नहीं है। तो हम सोचते हैं कि इस बार ऑफलाइन होने से ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये कोविड का सिलसिला अगर गायब हो रहा होते जा रहे बोलने से सर जो है कि देख के ऑफलाइन होने देना चाहिए क्योंकि कोई कोई का स्टूडेंट का पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन एफोर्ड नहीं कर सकते। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में तो हम लोग ये स्टूडेंट पहले से मीटिंग भी हम लोग अंदर में बैठ चुका है, जबकि ये सितंबर फर्स्ट वीक से अगर ये गवर्नमेंट ऑफलाइन नहीं करता है तो हम लोग कुछ पीसफुल रैली ये सब जाने के लिए भी कोशिश करने के लिए हम लोग एक मीटिंग भेज चुका है अपना स्टूडेंट का अंडर पे, क्योंकि एक ये DPGC ये कंपनी का एक हम स्टूडेंट है ये BA का, तो ये एक ऐसा जगह है कि जो बहुत ही एक बस्ती टाइप में एरिया जो है ना, जो कि यहाँ पर है कि स्टूडेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 पार है लेकिन यहाँ पर रेंट भी कम है 200-300 ही है। तो ये जो है कि ऑफलाइन नहीं होने का कारण से ऑनलाइन होने का कारण से ये जो है हॉस्टल भी नहीं खोल रहा है, तो हॉस्टल नहीं खोलने का कारण से स्टूडेंट जो है बहुत ही मतलब कि रेंट भी नहीं मिल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो रेंट जो है बहुत कम है तो हर किसी को तो रेंट में नहीं मिल रहा है, जबकि ऑफलाइन क्लास होगा तभी हॉस्टल भी खुलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रेंट और स्टूडेंट का ये कैलकुलेशन करने से स्टूडेंट ज़्यादा ही हो गया, इसलिए गवर्नमेंट से हम लोग यही अपील है कि ऑफलाइन क्लास ये बार जैसे भी होना है, क्योंकि आप लोग सोच के देखिए ये ऑनलाइन होने का कारण से हम लोग कितना प्रॉब्लम मिल रहा है।
ये बार हम बी ए ये फाइनल ईयर हो गया, हम जब फर्स्ट सेमिस्टर में सिर्फ हम लोग एक सेमिस्टर एग्ज़ाम देने मिला है ना, और सेकेंड सेमिस्टर में भी हम लोग ऑनलाइन से दिया है, थर्ड सेमिस्टर ऑनलाइन से दिया है, फोर्थ सेमिस्टर ऑनलाइन से दिया है, तो अभी फिफ्थ सेमिस्टर आ रहा है। यहाँ पर भी ऑनलाइन से अगर एग्ज़ाम देगा तो, अगर क्लास यहाँ पर भी ऑनलाइन से होगा तो हम लोग कॉलेज रहने का क्या मतलब है? बी ए कम्प्लीट होने जा रहा है लेकिन एक सेमिस्टर सिर्फ एग्ज़ाम देने को मिला है, इसका मतलब है कि हम लोग कॉलेज का कुछ एक्सपीरियंस भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लास होने से ठीक है ना, क्योंकि हर जगह खुल चुका है तो स्टूडेंट के लिए तो ये कॉलेज और स्कूल ही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। हम लोग इसी को एक मंदिर जैसे मानता है जहाँ से हमें सब कुछ ज्ञान मिलता है। अगर ये स्कूल और या कॉलेज नहीं खुलेगा तो हम लोग ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मोबाइल में तो इतना ज्ञान नहीं मिलता है जहाँ में हम लोग को प्रैक्टिकली ज्ञान मिलता है। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से ही अपील है कि जितना सकेगा ऑफलाइन क्लास जल्दी जल्द से जल्द होने से ठीक है। और ये हम लोग एक बींग स्टूडेंट ये मैं आंशु टीम को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो कि आज के समय पर एक ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन ही जो कि गवर्नमेंट पर ऑफलाइन क्लास में डिमांड कर रहा है। जितना यूनियन है वो तो वगैरह वगैरह में रैली वो सब जाते रहते हैं, लेकिन मैं आंशु टीम को मेरा तरफ से भी एक ऐसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, अगर आप लोग कदम उठा ही दिया है तो गवर्नमेंट को जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होगा तब तक फाइट करने से ठीक है, मेरा ये एक विचार है, सोच है।